मॉर्निंग, मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन के तरफ से आप तमाम लोगों का स्वागत है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो कभी कदाल भी देखते हैं, सब लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों तक एक नया वीडियो पहुंचा रहा हूं, शायद आपको पसंद आएगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने कल के डेट में अपलोड किया था, एडिशन का कुछ ट्रिक बताया था। अब एडिशन से रिलेटेड आपको डिसिमल का बताते हैं, डिसिमल का एडिशन कैसे करेंगे। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एग्जामिनिंग कैंडिडेट ही, किसी चीज़ के कमीशन के एग्जामिनिंग कैंडिडेट ही इसको देखेंगे, स्कूल के बच्चे नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है, स्कूल में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कि स्कूल के किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, वो इसको देख सकते हैं और इस टेक्निक को एडॉप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे जो है इसका एडिशन किया जाता है, दशमलव का यानी कि डिसिमल का कैसे एडिशन किया जाता है वो देखिए। पहले जो आपका पैटर्न है उसको आप भूल जाइए, जैसे लिखते हैं 3.15 और 7.26 और प्लस 3.29, ऐसे लिखते हैं आप इसको। आप लोग शुरू से आप लोगों को जो सिखाया गया है वो इसी स्टाइल का सिखाया गया है कि इन संवे को जोड़ दो, यानी कि इसमें 7.26 और 3.29 ऐसे जोड़ दो, प्लस कर दो, 5 × 6, 6 × 5 = 11, 11 × 9 = 20 के 0, 2 × 2 = 3, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 10 = 13, 13 = 13, 13 = 13, 13 = 13 यानी कि ये बराबर होगा 13.70 के। 13 पॉइंट के बाद कभी कंबाइंड नहीं बोलेंगे, 70 बोलेंगे, 70 नहीं बोलेंगे, 13.70 नहीं, गलत है ये, 13.70। एक बार और चेक कर ले, 5, 6, 5 = 11, 11 × 9 = 20 के 0, हाथ में 2, 2 × 3 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 10 = 13, 13 = 13, ये करेक्ट है। इसी स्टाइल में आप जोड़ते हैं। हमारा स्टाइल देखिए न्यू पैटर्न का, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल इंडिया, आप भी डिजिटल हो जाए, हाथ में डिजिटल मोबाइल लिए हुए हैं, ये कैसे होता है वो आप देखें। 13.70 है, ये सब प्लस लगा हुआ है इसलिए इसमें कोई झमेला नहीं है। ऐसे जोड़िए आप, 5, 6, 5 = 11, 11 × 20 = 0, हाथ में रहा 2, 2 × 3, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, पॉइंट को भूल जाइए, 7 × 3 = 10, 8 × 3 = 13, ऐसे लिखिए 1370। देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, सब में 2 अंक के बाद पॉइंट है, 13.70। कोई ज़रूरी नहीं है वैसा करने का। और आगे आप देखें, अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके होल्ड करके देखें आप। जैसे लिखते हैं 5.7 + 2.9 + 3.6, इस तरह का लिखते हैं आप। इसको फिर बताया गया आपको पुराने ओल्ड पैटर्न में, इसको 3.6 जोड़ दीजिए, 9, 7, 16 और 16 × 6, 6 × 6 = 12, 22 × 2 हाथ में रहा 2 और 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 12 यानी कि 12 पॉइंट, ये 2 इसका होगा। इस स्टाइल में जोड़ना अब बंद करें आप, नहीं जोड़े वैसे, 7, 9, 7, 16, 16, 6, 22 × 2 हाथ में रहा 2, 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 12, एक एक देख लीजिए सबके एक एक के बाद दशमलव है, ये इससे मिला कि नहीं मिला। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है आपका इससे, ठीक आ गया। ये छोटा है इसलिए ये कमीशन वगैरह में पूछता है, ये सब 5 और 6 स्टैंडर्ड का ये सवाल है जो कमीशन में क्लर्कल कैडर में पूछता है। जैसे कुछ ज़्यादा का सवाल देख लें आप, ज़्यादा अंक का सवाल देख लें आप, जैसे 4.8 ऐसे देखें आप, 4.8325 + 3.295 = 1, 7 + 2.185 = 6, 0, 2 इनका जवाब भी हम लिख देते हैं आपके लिए, 10.313273 ये जवाब है। इनको आप जोड़िए आप, इसको फिर वही कहानी से आप नीचे लिखेंगे। अब ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले का पैटर्न को छोड़ दें आप, ऐसे लिखें आप। अच्छा एक चीज़ और देखें आप, इसमें सबसे कितने अंक के बाद दशमलव, सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दें आप, 48, 325 ये 4 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 0 जोड़ दें, ये आपका प्लस रहा 3 पॉइंट। ठीक है, बराबर कर लें आप,
2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 छः अंक के बाद दशमलव है। ठीक, अब जोड़ना चालू करें। 0 1 1 1 2 ये 3 हुआ, 0 7 7 7 0 कितना हुआ 7, ये 5 5 1 6 6 5 11 11 1 12 12 के 2 हाथ में रहा 1 2 1 3 3 5 8 और 8 5 13 13 के 3 हाथ में रहा 1 3 1 4 9 4 13 और 13 और 8 कितना होता है 13 और 8 13 8 21 है 21 के 1 हाथ में रहा 2 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 के 3 हाथ में रहा 1 5 1 6 6 3 9 और 9 2 11 10 होना चाहिए, इसको 10 होना चाहिए 10। अब देख लिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव रखिए, इसे इसको मिलाइए आप। ठीक है, आगे आइए आप, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखिए आप, नेक्स्ट सवाल देखिए 1.2 + 7.1 + 3.5 + 5.6 इन सब का जोड़ आएगा 17.4 के, ये भी बता देते हैं आपको 17.4 के बराबर ये जोड़ आएगा। आप कैसे जोड़ते हैं फिर वही 7 पॉइंट को, इसको उसको कुछ नहीं करना, सब के एक अंक के बाद दशमलव है, क्लियर है? अगर नहीं रहता तो हम जीरो करके मेंटेन करते। जोड़िए 2 1 3 5 3 8 8 6 14 14 के 4 1 1 2 7 2 9 9 3 12 12 5 17 174 एक अंक के बाद दशमलव है, यही आपका जवाब हो गया, इससे मिलाइए। ठीक, ये दशमलव का है। एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पेशली, या जो स्टूडेंट हो स्कूल के 5 6 7 8 9 जिसके भी स्टूडेंट हो, सब लोगों के लिए है, इसको ध्यान से देखें आप। दूसरा सवाल देखें, 2.45 दशमलव का एडिशन है +9.27 + 6.58 + 7.29 इनका जोड़ भी हम बता देते हैं 25.59 इनका जोड़ है, एडिशन है। अब इनको सबको आप जोड़िए, जोड़ने में आपका आत्मा छोड़ देगा शरीर को, जैसे जोड़िए पॉइंट राइट से जोड़िए आप 5 7 5 12 12 8 20 अब 20 9 29 29 के 9 हाथ में रहा 2 4 2 6 6 2 8 8 5 13 13 2 15 15 के 5 हाथ में रहा 1 2 1 3 9 3 12 12 6 18 18 8 7 25 18 8 7 15 25 ये हो गया। देखिए सब में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव रख दिया। ठीक, कंसेप्ट क्लियर, अच्छा लग रहा है? अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारी बताई हुई बात आपके नॉलेज में अगर 0.25% का भी इंक्रीमेंट कर रहा है, तो आप प्लीज़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन दबा के ऑल चुनें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ये यूनिक चीज़ डिसिमल एडिशन में लेके आप लोगों के लिए आया हुआ, चाहे किसी क्लास के विद्यार्थी हो, 5 के हो 6 के हो 7 के हो 8 के हो 9 के हो 10 के हो, कमीशन पर्पस से जो लोग भी हो, चाहे जितने के भी हो, सब लोगों के लिए है ये। तीसरा चौथा सवाल देखिए 12.32 + 10.851 + 3.2745 4 ये 5 है + 5.25 इन सब का जोड़ भी मैं बता देता हूँ 31.6955। अब इसमें एक चीज़ देखें आप, इसमें सबसे मैक्सिमम दशमलव के बाद कितना है, 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ 2 है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव 2 है, तो इनको 4 कर दीजिए आप, इनको 4 कर दीजिए और इनको भी 4 कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए दशमलव के बाद की प्लेसिंग, दशमलव के बाद का जो डिजिट दिया हुआ है उनको इक्वल कर दीजिए आप। ये अब सब 4 का हो गया, आप जोड़ लीजिए आप 0 0 5 0 ये कितना होगा 5, ये देखिए 0 ये 1 4 1 5 अब 5 के 5 ये देख लीजिए 5 ये 2 हो गया, ये 3 आई, ये 3
दो, पाँच है दो सात, सात चार ग्यारह, ग्यारह पाँच सोलह, सोलह के छः, हाथ में रहा एक, तीन एक चार, आठ चार बारह, बारह दो चौदह, चौदह दो सोलह, सोलह के फिर करो ना ये एक सेकेंड, जरा दूसरे जगह बिजी हो गया था। इसको देखें आप 12.32 सबको इक्वल कर दिया दशमलव को, यहाँ के मैक्सिमम आपको दिया हुआ है चार डिजिट के बाद दशमलव, इसलिए हमने सबको चार डिजिट बना दिया। बनाने का तरीका यह है कि लास्ट में जीरो रख दें आप, ठीक है। अब क्या कहें, जीरो जीरो पाँच जीरो, ये कितना हुआ जोड़ेंगे हम, ये प्लस का साइन है, पाँच हुआ, जीरो एक चार एक पाँच, एक जीरो पाँच, अब आइए दो, दो पाँच सात, सात सात चौदह, चौदह पाँच उन्नीस, उन्नीस के नौ, हाथ में रहा एक, तीन एक चार, आठ चार बारह, बारह दो चौदह, चौदह दो सोलह, सोलह के छ, हाथ में रहा एक, दो एक तीन, तीन 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 तीन, ये तीन के तीनों रहा, और तीन ये आपको तीन रहा, ये तीन चढ़ जाइए, तीन और एक, एक दो तीन छः पाँच ग्यारह इकतीस, ठीक है। ये 31 इतना के ये बराबर आ गई है, चार अंक के बाद दशमलव है तब चार अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, मैक्सिमम जितना है उतना अंक के बाद आप ये दशमलव डाल दीजिए, इससे ये जवाब मिल जाएगा। इसलिए ऐसे लिखने का कोई ज़रूरी नहीं कि 12.32 10.8501 इस तरह का लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत लंबा समय लगाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिए डिसिमल का, ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक क्वेश्चन और देख लें, आप ये शायद बताएं कि नहीं बताएं नहीं मालूम, एक क्वेश्चन और आप देख लें, एक क्वेश्चन और आप देख लें, आप एक क्वेश्चन और देख लें, आप एक सवाल और आप देख लें, आप ये 3.29 प्लस 5.28 प्लस 5.32 ये बराबर आपको हो जाएगा 13.89 के, जोड़ दिया, इसको कैसे जोड़ेंगे, 9 और 8 17, और 17 दो 19 के 9, हाथ में रहा 1 2 एक 3, 3 है दो 5, और 5 है 3 8, ऐसे जोड़े 3 और 5 8, 8 5 13, ठीक 1389 दो अंक के बाद दशमलव है, ये 1389 इसके बराबर होगा, ये आंसर होगा। इस तरह का जब भी डिसिमल का सवाल हो ना, इसको इसी स्टाइल में लिखा करें, ऐसे जनरल जो ओल्ड पैटर्न में ट्रेडिशनल पैटर्न में लिखते हैं वो ठीक नहीं है, अब डिजिटल का दौर आया है, डिजिटल लिखें। चलिए हमारी बताई हुई बात अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन प्रेस करके उसके ऑल को दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करते हैं वो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।